से आ रहे थे, इधर गोली की आवाज़ आ रही थी जी, गोली चल रही थी। हमारे जैसे उधर से उन्होंने हमारे ऊपर भी गोली चलाई तो हमने भाग दिया उधर से। आप गश्त करने गए थे, क्या लोकेशन थी वहाँ पे? हाँ, क्या लोकेशन क्या थी? ये तो मुझे पता नहीं क्या लोकेशन थी, क्या मतलब जगह कौन सी थी आरोन में? ये शहरों का। हमारे पुलिस के मित्रों ने शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है, एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है, अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे, ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्होंने शहादत दी है और उन्होंने भी गोली चलाई, और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूँ। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपये की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर, घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है।